नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग थिंग्स अराउंड। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर आज आप जान ही गए होंगे कि मैं आपके साथ लगेज पैकिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, ट्रैवलिंग करना हम में से बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, लेकिन ट्रैवलिंग से पहले पैकिंग करना एक सरदर्द से कम नहीं है। लेकिन अगर इसे हम सिस्टमैटिक तरीके से करें, मतलब अपनी पैकिंग को सिस्टमैटिक तरीके से करें, तो ये पैकिंग बहुत ही आसान हो जाती है, कम समय लेती है और हमारी सारी उपयोग की जितनी भी सामान है वो हम अपने साथ पैकिंग में रख सकते हैं और ट्रैवलिंग में इजली जा सकते हैं। तो सबसे पहली टिप्स है मेरी, मेक अ लिस्ट। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बना लेना चाहिए। उसमें आपको क्या क्या मेंशन है मैं आगे बताती रहूंगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी होगी। उस लिस्ट में सबसे पहला आपका जो टिप है वो है चेक द वेदर। आपको सबसे पहले मौसम चेक कर लेना चाहिए। जिस भी जगह आप जा रहे हैं उस जगह का वेदर कैसा रहने वाला है आपको ये चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपने कपड़े और अपने सामान व्यवस्थित करेंगे वहां ले जाने के लिए। अगर मान लीजिए आप हैदराबाद से दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली का मौसम इस समय फरवरी का महीना चल रहा है, दिल्ली का मौसम ठंडा रहेगा, और हैदराबाद में अभी अच्छा मौसम है, यानी 29-30 ऐसे यहाँ का वेदर रहता है, जो कि गर्म होता है। एक शॉर्ट्स और टी शर्ट में आप पूरा दिन काट सकते हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं रहने वाला है, वहाँ पर ठंडी होने वाली है। तो वहाँ पर अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें ठंड के कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, स्वेटर और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ का अगर वेदर हम चेक कर लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ी आसानी होगी। तो सबसे नंबर वन टिप है चेक द वेदर। दूसरा टिप है डिसाइड हाउ मेनी सेट्स यू विल टेक। यानी आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने कपड़े ले जाने वाले हैं। अगर आपको पता है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपके कपड़ों की संख्या होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कपड़े या बहुत कम कपड़े आपके लिए आपके अव्यवस्था का कारण बन सकते हैं। तो जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है कि आप कितने समय के लिए जा रहे हैं और वहां पर आपको कितने कपड़ों की जरूरत होगी, और आप अगर किसी इवेंट में जा रहे हैं तो उस इवेंट के लिए कैसे कपड़ों की जरूरत होगी। ऐसा ना हो कि आप कभी होता है ना, खासकर लड़कियों में, कि जब हम पैकिंग करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये वाली ड्रेस भी अच्छी है, वो वाली ड्रेस भी अच्छी है, और इस चक्कर में हम बहुत सारे कपड़े रख लेते हैं, और फिर उस जगह पर जाने के बाद भी हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम कौन सा पहने कौन सा ना पहने। इसमें हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। टाइम बर्बाद होने के साथ साथ हम ढेर सारा लगेज भी उठा के लेके जाते हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ करते ही नहीं हैं। तो ये क्या काम हमें घर पर ही कर लेना चाहिए, ताकि हमें बहुत सारा सामान ढोकर ना ले जाना पड़े। तो आपको अपने दिमाग में सोच लेना चाहिए कि आप कितने कपड़े ले जाने वाले हैं और उन कपड़ों में कितने कपड़े आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा कपड़े रखना भी चाहते हैं तो एक या दो सेट ज़्यादा रखिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा का सामान लेकर सफ़र नहीं करना चाहिए। टिप नंबर 3 है कीप योर शूज़ अपार्ट। आपके जो शूज़ हैं, आप अगर एक से ज़्यादा शूज़ लेके जा रहे हैं या अपने फुटवेयर लेके जा रहे हैं, तो उन्हें अपने लगेज के साथ, खासकर खाने पीने की चीज़ें आपने जिसमें रखी हैं या जिसमें आपने अपने फ्रेश कपड़े रखे हैं, उसमें उनके साथ नहीं रखना चाहिए। आपको एक अलग से बैग लेना चाहिए या पाउच लेना चाहिए, या कोई बाज़ार में अमेज़ॉन पे अलग डिफरेंट पाउच भी मिलता है आपको ये अपने शूज़ रखने के लिए, तो आप उसमें भी रख के उसे इजली ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसका जो गंदा स्मेल होता है वो आपके कपड़ों में या आपकी खाने की चीज़ों में नहीं लगेगा, और थोड़ा हाइजीनिक भी रहेगा। उसके बाद मेरा टिप नंबर 4 है डिफरेंट पाउच फॉर इनर वेयर। जो हमारे छोटे छोटे कपड़े होते हैं, लॉन्जरीज या सॉक्स या हैंकरचीफ्स, इन सबको हम अगर अपने सारे कपड़ों के साथ बैग में रखते हैं तो फिर जब हमको इमिडिएटली कुछ चाहिए होता है तो हम पूरे कपड़ों को मेस कर देते हैं। तो इस मेस से बचने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम एक अलग से पॉलीथीन लें, उसमें अपने छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं उन्हें रख के किसी एक कोने में बैग के डाल दें, ताकि हमें जब भी ज़रूरत हो इमिडिएटली तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को छुएं जिन्हें हम छूना चाहते हैं, पूरे कपड़े एक साथ बिखरे ना। उसके बाद अगली टिप्स है लॉन्ड्री बैग। दोस्तों, लॉन्ड्री बैग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसे अक्सर हम भूल ही जाते हैं। हमें दो तरह की लॉन्ड्री बैग रखनी चाहिए, एक जिसमें हम अपने सूखे कपड़े रखें और दूसरा जिसमें हम अपने गीले कपड़े रखें। ये लॉन्ड्री बैग होती क्या है, इसमें हम अपने जो कपड़े यूज़ कर चुके हैं, अब हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हम कपड़े धोने तो नहीं बैठ जाएंगे, तो जो कपड़े हम यूज़ कर चुके हैं उन्हें फोल्ड करके, उल्टा करके फोल्ड करके उसमें रखें। तो कुछ एक में आप अपने सूखे कपड़े रखें और एक में मान लीजिए जैसे टॉवल अक्सर गीला रह जाता है, या और भी कोई छोटा मोटा कपड़ा है जो गीला रह गया है, उसमें आप अपना गीला कपड़ा रखें। इससे आपको रखने में भी आसानी होगी और आपके लिए असुविधा भी नहीं होगी। और अगला टिप्स है मेरा बाथ एसेंशियल एंड मेकअप।
आपका जो बाथ एसेंशियल है और मेकअप है उसे भी आप अलग अलग पाउच में करके रखें, और आप इसे अपने नोट डाउन भी करते जाइए दोस्तों, ताकि आपके लिए सुविधा रहे जब आप पैकिंग करें। तो बाथ एसेंशियल मैं सिर्फ एक हेडिंग आपको देती जा रही हूँ, आप जिन जिन चीज़ों का आप यूज़ करते हैं उसे आप खुद ही उसमें लिखिए, बस एक हेडिंग है उसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स आपको ही करना है, मतलब जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, जैसे आपका कंडीशनर, शैम्पू, सीरम, बाथ सोप या जो भी आप यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों को बाथ एसेंशियल में डाल सकते हैं। आपका टूथब्रश हुआ, आपका पेस्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपका मेकअप में भी लड़कियों के साथ अक्सर ये होता है कि वो बहुत सारा मेकअप लेकर चली जाती हैं, जिनमें से उनको यूज़ भी बहुत ही कम होता है और लेकर जाना एक हैक्टिक काम होता है इन सारी चीज़ों को। तो मेकअप भी हमें उतना ही लेकर जाना चाहिए जिसे हम अच्छे से यूज़ कर सकें और कुछ वेस्ट भी ना हो और लेके आने जाने में परेशानी भी ना हो। तो मेकअप भी हमें थोड़ा ही रखना चाहिए, जो हमें यूज़ करना है उतना ही रखना चाहिए। अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम लेकर जाते हैं, तो एक हेडिंग आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का होगा, जिनमें आप अपना फ़ोन, चार्जर, अपना आईफोन, ट्राईपॉड, जो भी आप रखते हैं, जो चीज़ें इलेक्ट्रिक से चलने वाली हैं उन सारी चीज़ों को आप उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। कीप सम फूड, दोस्तों अगर आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप अपने साथ कुछ खाने का सामान ज़रूर रखिए, जैसे कि बिस्किट हुआ, नमकीन हुआ या कुछ फ्रूट हुआ, जो भी आप खाते हैं, जो भी आपको पसंद है, क्योंकि अपने साथ कुछ ना कुछ खाने का सामान हमें हमेशा ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद जो एक नया एसेंशियल है वो है सैनिटाइज़र और मास्क। दोस्तों अपने साथ सैनिटाइज़र और मास्क तो हमें हमेशा रखना ही चाहिए, हम जब भी बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइज़र मास्क को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, ताकि समय समय पर आप जल्दी जल्दी आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और मास्क को भी एक से ज़्यादा कैरी करना चाहिए, जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं एक से ज़्यादा दिनों के लिए तो आपको डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग मास्क रखने चाहिए अपने साथ, ताकि आप एक ही मास्क लेके पूरे टाइम ना रहें। उसके बाद है वाटर बॉटल्स और आपके चश्मे, आईडी कार्ड, कैश, इन सारी चीज़ों को भी आपको अपने साथ रखना चाहिए। वाटर बॉटल ज़रूर रखना चाहिए आपके, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा, अगर आप धूप में जा रहे हैं तो गॉगल, या फिर और उसके बाद मैंने बताया आईडी कार्ड और कैश। दोस्तों आईडी कार्ड और कैश, इन सारी चीज़ों को भी अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। अगर आप सिर्फ कार्ड यूज़ करते हैं तो सिर्फ कार्ड के भरोसे कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं कार्ड, सिर्फ कार्ड काम नहीं आता, कैश की ज़रूरत पड़ती है। और एक छोटी सी टिप्स आपके साथ मैं और शेयर करना चाहूँगी, जो मुझे मेरे हस्बैंड ने दी थी, कि जब हम सफ़र करते हैं उस टाइम पे सिर्फ एक बैग में पूरे कैश या जो भी हमारा सामान है उसे नहीं रखना चाहिए। अगर हम 2-3 बैग लेके चल रहे हैं तो जो हमारा कैश है उसे चाहे 100 रुपये, 200 रुपये ही दूसरे बैग में भी डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए, भगवान न करे ऐसा हो जाए, लेकिन अगर मान लीजिए आपका मेन बैग है वो खो जाता है, गुम हो जाता है, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ पैसे तो हो ताकि आप एक जगह से दूसरे जगह सफ़र कर सकें। तो इसलिए आपको पैसों को अलग अलग जगह पे भी रखना चाहिए। आईडी कार्ड तो मस्ट है, आईडी कार्ड अपने साथ रखना ही चाहिए। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका फर्स्ट एड। अगर दोस्तों आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो आपको उसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, उसे अपने अपने लगेज में ज़रूर शामिल करना चाहिए, अपनी मेडिसिन, उसका तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, तो अपनी मेडिसिन को आप रखना चाहिए, आपको साथ में रखना चाहिए, और कुछ जनरल मेडिसिन जैसे बुखार के लिए कुछ या सर्दी जुकाम के लिए कुछ, जो भी आप यूज़ करते हैं आपको सूट करता है, उन सारी चीज़ों को अपने साथ रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो पाई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, आप इसे किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।